नमस्कार, जीएनआई न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। तेजतर्रार पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने किया कोठी थाने का मुआयना। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कोठी थाने का निरीक्षण कर महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, शस्त्र, रसोइयाँ, थाना परिसर व अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर कुछ खामियों को लेकर फटकार लगाई। जैसा कि आपको बता दूं, बाराबंकी पुलिस अधीक्षक ने कोठी पहुंचकर रजिस्टर नंबर 8 का निरीक्षण करते समय हल्का नंबर 2 के उपनिरीक्षक सोहेल खान से पूछा, उस्मानपुर गांव से कितने लोगों को जेल भेजने की बात कही है, जिस पर एसआई एक व्यक्ति को भेजने की बात बताई। एसआई के इधर उधर झांकने पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी फटकार लगाई। कांस्टेबल राधिका और गौरी से पूछा, आज कौन सी शिकायत आई है और उसमें क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया, आज कोई शिकायत नहीं आई है। तब पुलिस अधीक्षक ने रजिस्टर मंगवाया। 17 फरवरी को बुधनई निवासिनी राजरानी ने अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि इस महिला ने कब शिकायत दिया था और क्या हुआ। हल्का सिपाही पूछे गए पुलिस अधीक्षक द्वारा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वहीं पर जाते समय पुलिस अधीक्षक ने वर्तमान थाना अध्यक्ष रितेश कुमार पांडे व पूर्व थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव द्वारा कराए गए या हो रहे कायाकल्प के दौरान हुए कार्यों की सराहना की और एसआई सोहेल खान को समय पर चार्जशीट लगाने पर 500 का इनाम दिया। आइए देखते हैं बाराबंकी से ब्यूरो चीफ शेर बहादुर सेरा की खास रिपोर्ट, सच वही जो जेएनआई न्यूज दिखाए। में बना था ये और इसके भवन का रखरखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ के इंस्पेक्टर और पूर्व में जो अधिकारी थे उन सभी ने मिलकर के इसको सजाने और बनाने का बड़ा अच्छा सराहनीय प्रयास किया है और यहाँ पे मैं उनको इनाम देता हूँ, 500 रुपये का मेरी तरफ से इनाम है और एक जो एसआई है जिसने विवेचना बहुत जल्दी निस्तारण किया है उसको भी इनाम देता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य किया है उन लोग, उसने विवेचना निस्तारण में शिकायती प्रार्थना पत्र का निस्तारण और IGRS का निस्तारण बहुत ही अच्छा, काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी दुरुस्त करने वाली हैं। अभी भी जो शिकायतें आ रही हैं, महिलाओं संबंधी विवाद हैं या अपराध हैं, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उससे संबंधित जो वेरिफिकेशन है हिस्ट्री सीटर का, क्रिमिनल्स का, गुंडा का, माफिया तत्वों का, उन सभी को भी और अपग्रेड करने की ज़रूरत है। थाने स्तर पर उसको और ज़्यादा मजबूती से करने की ज़रूरत है। मैं सभी से अपेक्षा करूँगा यहाँ पर सभी लोग मिल करके बढ़िया से अपराधियों पर अंकुश लगाएंगे, जिससे पंचायत